जमात चारों दरख्वास्त। अपने स्कूल की प्रिंसिपल के नाम 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त लिखें। बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, कॉमा लगाना ज़रूरी है। अलिफ बे जीम स्कूल, स्कूल के बाद डैश आएगा, इन सब में भी डैशेज हैं। कराची, ये रहा डैश। अगर दरख्वास्त का मतन आप सही लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, वरना इन सब ये जो कॉमाज हैं और यहाँ पे डैशेज, ये लिखने का तरीका, कहाँ पे लिखना है, इन सब चीज़ों के मार्क्स होते हैं। जनाब आली, गुजारिश अर्ज़ ये है कि मैं के बाद यहाँ पे आपका अपना नाम आएगा, जो कि आपके स्कूल की जमात चारों का तालिब इल्म हूँ। मुझे कल रात से बुखार है, इसलिए मैं स्कूल आने से कासिर हूँ, यानी स्कूल नहीं आ सकता। बराए मेहरबानी मुझे 2 दिन की छुट्टी इनायत फरमाएं। 2 यौम भी लिख सकते हैं, ये वा यौम ईम साकिन। दिन आप लोगों के लिए आसान लिख दिया है। एन नवाजिश होगी, जो जहाँ लिखा जा रहा है इसी अंदाज से लिखा जाएगा। गुजारिश के बाद जब नेक्स्ट पैराग्राफ बनेगा तो उसी लाइन से आना चाहिए। एन नवाजिश होगी हमेशा मिड ऑफ पेज से स्टार्ट करते हैं और एंडिंग तक जाता है। इसी तरह फ़कत दरख्वास्त गुजार, यानी दरख्वास्त लिखने वाला, ये हमेशा पेज के बिल्कुल आखिर से करते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। मोरखा, मोरखा तारीख, मैं यहाँ पेंसिल से लिख भी देती हूँ, अगर किसी को मोरखा का वर्ड याद नहीं हो तो वो तारीख लिख सकते हैं। तारीख भी लिख सकते हैं, बतारीख भी लिख सकते हैं। जो हमारी एक्चुअल उर्दू है उसमें तो तारीख का वर्ड है, लेकिन जो हमारी पुरानी उर्दू है उसमें बतारीख का वर्ड यूज़ होता था। और इसी तरह से इस अंदाज से लिखना है, वरना तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि जैसे आज 30 सितंबर 2022, मैंने तो ऊपर लिख दिया है, लेकिन ये आपकी हमेशा जहाँ पे एंडिंग लाइन आती है यहाँ पे आना चाहिए।